दोस्तों आज रात में आपको फेड की तरफ से, कई सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आज स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। रात में देखिएगा डाउ जोन्स पे काफ़ी ज़्यादा हलचल होने वाली है। उस समय तक हो सकता है वीडियो ना प्रोवाइड कर पाए, तो टेलीग्राम चैनल पे 1 बजे रात को प्रोवाइड करूंगा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। कल मार्केट कैसे खुलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और कहाँ से मार्केट कल भागेगा या फिर गिरेगा 12:01 पे बताया था। देखिए केवल और केवल देखिएगा आप 7 मिनट में आपका मार्केट अप हो चुका है। क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, हालांकि एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑयल की सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है, ओपेक इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेने की सोचेगा। अपडेट भी कुछ इसी तरीके का आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है, रशिया की तरफ से भी काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। एक लाइक तो बनता है इतनी तेजी से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। 1000 लाइक्स देखिएगा तुरंत मिलने चाहिए, और मैं फिर से कह देता हूं ये डिप एक बहुत ही अच्छा चांस है भले मार्केट कहीं पे भी रुके जाके। मैं फिर से बोल रहा हूं मार्केट कहीं पे भी रुके जाके ये डिप बहुत ही अच्छा चांस है, और अब यहां से एडजस्टमेंट के बाद मार्केट एक अच्छे पड़ाव पे देखने को मिलेगा आपको। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहां पे ओपेक का डिस्कशन है और यहां पे ऑयल के आउटपुट को कट करने की बात हो रही है ताकि थोड़ा सा प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिले। इसका मतलब यह है कि डिमांड जिस तरीके से देखने को मिल रही थी वो डिमांड अब नहीं देखने को मिल रही है। थोड़ा थोड़ा देखिएगा ग्लोबल कंसर्न आ चुका है, मंदी का प्रेशर आ चुका है, और आपको पता है कि कॉमोडिटी के प्राइस अब आपको बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है ये कम हो जाने से एक पर्टिकुलर देखिएगा कंपनी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और इसका परिणाम आपको अक्टूबर में रिजल्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, जिसका परिणाम आपको मार्केट पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि निफ्टी का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला वो स्टॉक है और ऑयल एंड गैस में ही उनका पूरा का पूरा बिजनेस है। तो अगर आप देखेंगे ओपेक प्लस डिस्कशन कटिंग आउट ऑयल आउटपुट एट नेक्स्ट वीक मीटिंग, तो आप देख सकते हैं कि जस्ट 3 to 4-5 days में आपको एक बड़ा देखिएगा यहाँ पे ओपेक की तरफ से ऑयल की तरफ से एक कट देखने को मिलेगा। कॉल्स आर ग्रोइंग फॉर ग्रुप टू रिड्यूस सप्लाई आफ्टर प्राइस स्लंप, लगातार प्राइस कम होता जा रहा है, प्राइस को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए आपको ऑयल का प्राइस कट देखने को मिलेगा। आप पूरी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे चर्चा हो ही रही थी कि यहाँ पे इकोनॉमीज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, ग्लोबल कंसर्न आ चुका है, कॉमोडिटी के प्राइसेस काफ़ी बेटर वे में देखने को मिलेंगे, और ये मीटिंग आपको देखने को मिलेगी 5 अक्टूबर को। जाके पूरी तरीके से आपको सोर्स प्रोवाइड कर दिया है, ब्लूमबर्ग पे भी देख सकते हैं, DH देखिएगा उस पर भी जाके देख सकते हैं, पूरी तरीके से चेकआउट कर सकते हैं कि ये 100 का ट्रिपल डिजिट का मल्टीपल देखिएगा हाई बनाने के बाद अब क्रूड ऑयल क्या गया है प्रेशर में आ चुका है, जो कि मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी अपडेट है। देखिएगा कहीं ना कहीं इकॉनमीज तो इम्पैक्ट होनी है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कॉमोडिटी के प्राइस अब कम्फर्टेबल पोजिशन पर आ जाएंगे, और जिस तरीके से देखिएगा एडजस्टमेंट होगा उसी तरीके से ऑयल कंपनी को भी बेनिफिट होगा, उनके इनपुट को भी बेनिफिट होगा, और सबसे बड़ी बात क्या होगी जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि ओपेक प्लस जैसे ही देखिएगा यहाँ पे ऑयल कट करेगा यानी प्रोडक्शन आउटपुट कट करेगा, उसके बाद तुरंत देखिएगा आपको एक अपडेट देखने को मिलेगी, उससे पहले भी देखने को मिल सकती है क्योंकि मेंबर्स डिसाइड कर रहे हैं, प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, सरप्लस अमाउंट भी देखने को मिलेगा। तो उससे पहले देखिएगा सबसे बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल सकता है विंडफॉल टैक्स की तरफ से। अब आपको पता है कि कई सिनेरियो में गवर्नमेंट क्या कर रही है, विंडफॉल टैक्सेस में कुछ रिलैक्सेशन करने वाली है जो ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए देखिएगा कई सारे एग्जेम्पशंस भी आने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट पे प्रहार किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब उसमें ऑयल के प्राइसेस कम होने के कारण, ऑयल के प्राइसेस में लगातार कटौती होने के कारण अब इसमें भी आपको कई तरीके के एग्जेम्पशन देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कई पर्टिकुलर देखिएगा छोटे प्लेयर्स को तो एग्जेम्प्ट किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ों से, तो वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं इंटायर प्रोडक्शन को लेकर समथिंग बहुत का कुछ देखने को मिलने वाला है।
और अभी आपने लास्ट वीक देखा था कि विंडफॉल टैक्सेस में बहुत बड़ा देखिएगा रिडक्शन किया था गवर्नमेंट ने। आप देख सकते हैं 13,000 टन से देखिएगा 10,500 टन पे आ गए थे, तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा रिडक्शन ऑयल कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट है। तो इस बार भी देखने को मिल सकता है, और चूंकि 15 दिन में रिव्यू होता है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ऑयल मिनिस्ट्री, यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड पे जाके चेकआउट करिएगा, ऑयल मिनिस्ट्री सीक्स रिव्यू ऑफ विंडफॉल टैक्स। अब पूरी तरीके से एक बार रिव्यू, चूंकि अब कंफर्टेबल यानी कि जो प्राइस से देखिएगा उछला था पूरा का पूरा ऑयल, क्रूड ऑयल, एनर्जी, गैस, वही प्राइस पे आ चुका है। तो अब पूरी की तो पूरी तरीके से रिव्यू करेगी ऑयल मिनिस्ट्री कि अब ऑयल कंपनी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, थोड़ा सा इनके हैंड्स फ्री करे जाएं, और कई तरीके के देखिएगा फील्ड में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर आप चेकआउट करोगे तो कई तरीके की फील्ड में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं विंडफॉल टैक्सेस के कारण ही आपको रिलायंस इंडस्ट्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 12% तक स्टॉक गिर चुका है, पूरी तरीके से ओवरसोल्ड कैटेगरी में है ये स्टॉक, पूरी तरीके से। और आपको पता है कि ये कंफर्टेबल पोजीशन में जहां पे आए और विंडफॉल टैक्सेस में भी रिलैक्सेशन मिला, तो ऑयल इंडस्ट्री में भी जम देखने को मिलेगा और रिलायंस इंडस्ट्री में भी जम देखने को मिलेगा, निफ्टी 50 में भी जम देखने को मिलेगा। चूंकि एक तरफ बैंक निफ्टी होता है, एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्री, अगर इन दोनों में से एक कोई बुल ट्रेंड पकड़ लेता है तो फिर मार्केट को कोई गिरा नहीं सकता। और यहां पे 12% का करेक्शन हो चुका है, तो जैसे ही यहां पे बाउंस बैक देखने को मिलेगा मार्केट तुरंत सिनेरियो चेंज कर देगा, मार्केट में तुरंत जंप देखने को मिलेगा, तुरंत का तुरंत आपको जंप देखने को मिलेगा। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आ रही है अगर आप देखेंगे कि कंफर्टेबल सिचुएशन में आपको देखने को मिल रहे हैं क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस, नेचुरल गैस भी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है, जितना देखिएगा प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगा उतना ही बेटर है ऑयल कंपनीज के लिए, इनपुट कॉस्ट के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। तो फोकस करिएगा, ये बहुत ही अच्छा अपडेट है, जल्दी रिएक्शन इसका देखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना करने भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।